इतिहास में कई ऐसे राज थे जो समय के साथ दफन हो गए, लेकिन सालों की खोजबीन और स्टडी के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अतीत के नए तथ्य हमारे सामने लाते रहते हैं। बोस्निया के जाविदोविची के घने जंगलों में गांव वाले लकड़ियां इकट्ठा करने जाते हैं। हाल ही में जंगल गए कुछ लोगों की नज़र जमीन से बाहर निकले एक अजीब से पत्थर पर पड़ी। पत्थर देखने में ही खास लग रहा था, इसलिए उन्होंने तुरंत आर्कियोलॉजिस्ट से कॉन्टेक्ट किया। जांच में पता चला कि ये गेंद लोहे से बनी हुई थी। 5 फीट डायमीटर में फैला ये पत्थर गेंद जैसा दिखता है। इसके स्ट्रक्चर को देखकर लगता है कि ये इंसानों ने नहीं बनाया था। रिसर्चर्स इसकी जांच कर रहे हैं कि आखिर इस पत्थर का रहस्य क्या है। इस पत्थर पर रिसर्च कर रहे एक साइंटिस्ट समीर ओस्माना, जिसने प्राचीन सभ्यता से इस पत्थर को जोड़कर स्टडी की, उनके मुताबिक ये पत्थर 1500 साल पुराना है और पहले भी ऐसे कई पत्थर मिल चुके हैं। लोगों को ये गलतफहमी थी कि इनके बीच सोना छिपा रहता है, इसलिए सभी पत्थरों को तोड़ दिया जाता था। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मैंडी एडवर्ड्स के मुताबिक ये पत्थर प्राकृतिक रूप से बनी है। कंक्रीशन नाम की प्रक्रिया में सालों तक मिनरल्स जुड़ते रहते हैं और ऐसा रूप ले सामने आते हैं। हालांकि अभी तक जियोलॉजिस्ट के मुताबिक अभी तक इस प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन ये पत्थर इसका सटीक उदाहरण है। अभी भी रिसर्चर्स इस पर स्टडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।